गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि पर कांग्रेस की आलोचना पर कहा, समर्थन मूल्य में 110 रुपए की वृद्धि पर कांग्रेस की आलोचना किसानों के हितों पर कुठाराघात है। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने खुद ने कुछ नहीं किया और कोई कुछ करे तो आलोचना करती है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पता नहीं कांग्रेस कमलनाथ से क्यों झूठ बुलवाती है और कमलनाथ किस मुंह से किसान की बात करते हैं। जिन कमलनाथ ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मध्य प्रदेश में झूठ बुलवाया कि 10 दिनों में किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, उस किसान की बात कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का किसान डिफॉल्टर कर दिया, वो कांग्रेस किसान की बात किस मुंह से कर रही है। जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मजदूर और गरीबों के 1,31,000 आवास का पैसा जमा न करके वापस लौटा दिया, वो कांग्रेस किस मुंह से किसानों की बात कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने किसानों में भ्रम फैलाया था कि मोदी सरकार MSP बंद कर रही है और किसानों को सड़क पर बैठाया था, लेकिन कमलनाथ एक भी दिन नहीं गए। उन्होंने कहा, मोदी जी ने इतनी बड़ी राशि की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस कभी तो किसी बात की तारीफ करना सीखे। पता नहीं इनसे कांग्रेस क्यों झूठ बुलवाती है और कमलनाथ जी किस मुंह से किसान की बात करते हैं। जिन कमलनाथ जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मध्य प्रदेश में झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे, उन किसानों की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान डिफॉल्टर कर दिया जिस कांग्रेस ने, वो कांग्रेस किसान की बात किस मुंह से कर रही है। जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 1,31,000 आवास जो थे गरीब के, किसान के, मजदूर के, उसका पैसा जमा ना करके वापिस लौटा दिया, वो कांग्रेस किस मुंह से किसान की बात कर रही है। सोचने वाली बात है, ये वही कांग्रेस है जिसने किसानों में ऐसा ही भ्रम फैलाया था कि MSP बंद कर रही है मोदी जी की सरकार, और उन्हें सड़क पर बिठाना था, वो कमलनाथ जी एक दिन नहीं गए थे। आज मोदी जी ने घोषणा इतनी बड़ी राशि की एक साथ की, 110 रुपए की जंप किया है, कभी तो किसी की बात की तारीफ करना सीखो। आलोचना भी इस स्तर की जो किसान के हितों पर कुठाराघात कर रही हो, खुद ने कुछ किया नहीं और कोई करे तो आलोचना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।